तुम्हें हेतल को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें उससे जेलस फील कराना होगा। Are you sure दी? समीर, किसे बात कर रहे थे? कौन है वहाँ समीर? मेरे भैया हैं दी, और कोई नहीं। अच्छा दी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कौन सी दी थी तेरी? मेरी एक नई फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड को दी क्यों बुला रहा था? क्योंकि वो एक बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती है। अरे वाह, आजकल बड़े नए रिश्ते बना रहा तू, कभी ये हेड्स कभी दी। इस बीच में अपने भाई को तो नहीं भूल जाएगा ना? कम ऑन भैया, डोंट टॉक रबिश। अच्छा, भाई की बातें अब रबिश लगने लग गई हैं। यह मामला तो सॉलिड गड़बड़ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है मिस्टर समीर मेहता। क्या दिख रहा है भैया आपको? जब तू मुझे नहीं बता रहा तो मैं तुझे क्यों बताऊं मुझे क्या दिख रहा है? फिलहाल भैया बताने को कुछ नहीं, वक्त आते ही मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, वक्त आने पर मैं भी बता दूंगा, हाँ अगर मैं जिंदा रहा तो। व्हाट रबिश भैया, आप कुछ भी बोलते हो। अरे डायलॉग आया मार दिया, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? दोबारा ये फालतू डायलॉग बोला ना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ओके बाबा ओके, सॉरी सॉरी। चल अब स्माइल करो, ये बता कि मैं प्रेशर लेने नीचे जा रहा हूँ, तुझे आना? नहीं भैया, मेरे को आपकी जैसी ये प्रेशर लेने की एडिक्शन नहीं है, एंड अब वक्त आ गया कि आप ये सब करना छोड़ दो। अरे फिर से तेरा लेक्चर शुरू हो गया, तुझे आना यहाँ? नहीं आना मत, मैं जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, तू अपने ख्यालों में रह। भैया, क्या फर्क है इस रीता में और अभी की रीता में? मुझे तो बस हेयर कट और कपड़ों में ही फर्क नजर आ रहा है, बाकी तो रीता वैसी की वैसी है। हाँ, अगर हेयर कट और कपड़े इस तरह पहनाए जाए ना तो अब भी वैसी ही लगेगी। क्या कहता है उदय? स्टॉप इट दादी यार, अब आधे घंटे से यही बात कर रहे हो, और कितनी बार बोलूं? हाँ रीता चाची हॉट है, प्लीज मुझे आप पढ़ाई करने दो थोड़ी। अरे तू कहीं और जाके क्यों नहीं पढ़ाई करता? मेरे सामने आके बैठेगा तो मैं तो बोलूंगी ना। एक्सक्यूज मी दादी, मैं यहाँ पहले आया था आपसे, आप बाद में आए थे फोटोज लेके यहाँ, तो प्लीज कहीं और देखिए ये फोटोज। कितना झूठ बोलता है तू, मैं यहाँ पहले से बैठी हूँ। एक्सक्यूज मी दादी, आप ये फोटोज की एक्साइटमेंट में भूल गई हैं कि यहाँ मैं पहले आया था। नहीं, मैं यहाँ बैठी थी। अरे दादी, मैं यहाँ पहले आया था। मैं बैठी थी। अरे मैं आया था इधर। मैं बैठी थी। मैं आया था। मैं आया था। परिमल आया होगा, उसे ये मत बताना कि मैं तुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या दादी, आज भी आप अपने बेटे से डरती हैं? आजकल सभी माँ बाप को बच्चों से थोड़ा बहुत डरना ही पड़ता है। घोर कलयुग। अरे परिमल आजा। माँ जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दे, बहुत भूख लग रही है। वो इक्वेशन याद हुई है कि नहीं? जी पापा। माँ ये क्या उठपटांग फोटोज रखी हुई है रीटा ने यहाँ पर? अरे रीता ने नहीं रखी, मैंने ही रखी थी, अभी हटा देती हूँ।
उदय तू ऊपर जाके पढ़ाई कर, मैं यहाँ टीवी देख रहा हूँ। दादी दादी, आपने तो कहा था ये कलयुग है, जरा डैड को भी बोलो ना कि मुझे थोड़ा डरा करें। मेरी शामत आई है, मैं परिमल से इसे कहूं। अच्छा सुन, थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाना, मैं कोथिंबीर वड़ी बनाने वाली हूँ। हाँ? माँ जी। अब हारिता दीदी अब तक बच्चों को लेकर स्कूल से नहीं लौटी हैं। मैं बार बार फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मत भेजिए आप दीदी को मेरे बच्चों को लाने। बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है, गायत्री मार्केट जाने वाली थी ना, इसलिए देर हुई होगी। और फिर गायत्री अपनी है, कौन से बच्चे पराए लोगों के पास है। दीदी आपकी अपनी होंगी, मेरी नहीं है। एक बार किसी पराए इंसान पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। रीता, ये क्या तुम कह क्या रही हो गायत्री के बारे में? बेटा रीता थोड़ी परेशान है, तो उसकी बात का बुरा मत मान। माँ परेशान है इसका ये मतलब नहीं है कि गायत्री के बारे में कुछ भी बोलेगी वो। और तुम उसे कुछ समझा क्यों नहीं रही हो माँ? बेटा तू शांत हो जा, मैं बात कर रही हूँ उससे। शांत होने वाली बात ही नहीं है माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके कहने का क्या मतलब था कि ये गायत्री पर विश्वास नहीं करती। मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है, मुझे दीदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया गायत्री ने तुम्हारे साथ कि तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है? बहुत कुछ किया है दीदी ने, लेकिन वो सब बातें दोहराने की ना ही मुझमें हिम्मत है और ना ही ताकत। लेकिन इस समय जो दीदी कर सकती है उससे बचने के लिए मैं दीदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। क्या कर सकती है गायत्री? हाँ बोलो ना रीता, क्या क्या कर सकती है गायत्री, बोलो। मेरे बच्चों को निरंजन से मिलवाने ले जा सकती है वो, जैसे आज आप अपने भाई के लिए खाना लेकर गए थे। हाँ, मैं अपने भाई के लिए खाना लेकर गया था, उसमें क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, और रही बात गायत्री की, तो मैं गायत्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी परमिशन के बिना वो तुम्हारे बच्चों को कहीं नहीं लेकर जाएगी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे मन में गायत्री के लिए इतनी कड़वाहट है, जबकि गायत्री तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा सोचती है। चाची, चाची। पलक, बीजल, कहाँ है मेरे बच्चे? वो बच्चे स्कूल में नहीं थे, टीचर ने कहा कि निरंजन बच्चों को लेके चला गया। मैंने बहुत फोन किया निरंजन को, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, और मैं वहां भी गई जहां पे निरंजन रहता है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था चाची। आप जानती थी ना निरंजन कहाँ रहते हैं? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, आप खुद मेरे बच्चों को निरंजन के पास लेकर गई हैं। नहीं रीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रीता तुम शांत हो जाओ, गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मैंने उसे बताया था कि निरंजन कहाँ रहता है, इसलिए वो जानती है, और कुछ नहीं। तो आप भी मिले हुए हैं,
सब निरंजन से मिले हुए हैं, आप सब मिले हुए निरंजन से। आप सबने मिलके मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया। आप सब मिले हुए, आप सब मिले हुए निरंजन से। आप सबने मुझे धोखा दिया है। सैम, तुझे ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना? मैं हेत नहीं, प्राची हूँ। प्राची? ऑफ कोर्स तू प्राची है और तू मेरी सबसे क्यूट दोस्त भी है। एंड आई गॉट टू हेल्प यू। आते बट वहां कहाँ रख रहा है उसे? कैफे में ले जाना है। ले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है प्राची? पहले कुछ बातें कर लेते हैं। After all, तू मेरी बड़ी है यार। बड़ी? तेरी बातें मुझसे? सैम, तू ठीक है ना? तुझे सर पे चोट तो नहीं आई ना? चोट नहीं लगी मुझे, बल्कि जोर का आइडिया है। एंड जबरदस्त वाला। कैसा आइडिया? आइडिया ये है कि तुझे तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक दिन की बजाय अगर पूरे वीकेंड की लीव दिला दूं तो। सोच, तेरा वैलेंटाइन्स वीकेंड कितना अमेजिंग हो जाएगा। ओ सैम, तू कितना स्वीट है। चल अब काम क्या है बता। ओ प्राची, तू कितनी स्मार्ट है। अब काम क्या है सुन। What? प्राची, तू मेरे लिए इतना तो कर सकती है। नो, नेवर, कभी भी नहीं। तुझे चॉकलेट्स याद है? हिट्स तेरे लिए लाया हूँ। हिट्स, तुझे ये चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए। जब से तू दोबारा मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में जैसे सारे रेनबो के कलर्स भर गए। मुझे ये चॉकलेट्स नहीं चाहिए। बट ये तो तेरी फेवरेट चॉकलेट्स है। ना तो मुझे इन चॉकलेट्स में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इनसे जुड़े हुए कोई भी इमोशंस में इंटरेस्ट है। आई वाज टू रूड टू सैम। आई एम श्योर वो बहुत उदास होगा। सैम, हेट्स बोल रही हूँ। व्हाट्स अप? हेट्स? हेट्स चाचू कहाँ है? हेट्स, निरंजन चाचू ने पलक और बीजल को स्कूल से किडनैप कर लिया है। सैम, राहुल,
क्या हुआ? निरंजन भैया ने अपने बच्चों को स्कूल से किडनैप कर लिया। What? क्या? उदय is too tensed. उसे बात कर। आओ दे बोल। राहुल चाचू यहाँ क्या घर पे बहुत पैनिक हो गया है। उदय तू टेंशन मत ले, हम पहुंच रहे। समीर मैं जी पार्किंग से निकलता हूँ, तू बैग लेके जल्दी आ। आए बे। सैम तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सैम सुन, रीता भाभी को समझाना कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे निरंजन भैया के पास ही है। निरंजन भैया पापा है उनके, तो इज नथिंग टू वरी। हाँ जस्ट हैंडल इट। सैम एक मिनट। सैम मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलूं? उस दिन तो तुझे घर आके रीता भाभी से बात करने के लिए मेरी परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी, ना ही तुझे कुछ सोचना पड़ा था। Isn't it strange, Hits, कि तूने बेकार में हमारे बीच में इतने डिस्टेंस खड़े कर दिए। बता कोई जवाब है तेरे पास? सैम इस वक्त रीता भाभी के प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। भाभी मेरी है, उनकी प्रॉब्लम भी मेरी है। तू बेकार में अपना प्रेशियस टाइम मेरी प्रॉब्लम पे क्यों वेस्ट कर रही है? स्टॉप इट सैम, मैं तेरे साथ ही चलूंगी और मुझे आज भी तेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन तेरे गोल्स प्रायोरिटीज सब बदल चुके हैं ना, तो बी केयरफुल, कहीं मेरी प्रॉब्लम की वजह से तेरा कोई काम ना रुक जाए। अब ताने मारना बंद कर, तू भी अच्छे से जानता है कि तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं बैग लेकर आती हूँ। कमाल है, जब इसका मन करता तब दादागिरी करके हक जताती है, जब भी इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाता तो परायापन दिखाने लगती है। राहुल भैया ठीक कहते हैं, लड़की नहीं आफत है। एनीवेज समीर मेहता, प्यार किए तो लड़की के नखरे भी झेलने पड़ेंगे। चल चल। निरंजन फोन ही नहीं उठा रहा है, लगता है कि अभी उठाएगा भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी की, फिर एक बार मैंने आपकी बात सुन ली। मुझे उसी दिन अपने बच्चों को लेकर जामनगर चले जाना चाहिए था। निरंजन ने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ, मेरे बच्चे तक। बेटा मत आइए आप लोग मेरे पास, आप सब निरंजन से मिले हुए हैं। आपको तो हमेशा से मैं ही गलत नजर आती थी ना भैया, आपको भी यही लगता था ना दीदी? आप दोनों को लगता था कि मैं बच्चों को निरंजन से दूर रखकर गलत कर रही, इसलिए आप दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बेटा संभाल अपने आप को, मैं ले आऊंगी तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास, लेकिन थोड़ा सबर कर बेटा और मुझ पर विश्वास रख। अच्छा आप लाएंगे मेरे बच्चों को वापस? ठीक, करती हूँ आप पर विश्वास। किस बात का इंतजार है माँ? फोन उठाइए और पुलिस को कंप्लेन कीजिए। कि एक धोखेबाज इंसान ने मेरे बच्चों को किडनैप किया है। Thank you.
करेंगी आप? चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। बोलिए ना माँ जी, कहू नहीं, बेटी बनाकर रखने वाली थी ना आप, यही कहा था ना आपने? तो बोलिए, क्या आप अपनी बेटी के बच्चों के लिए अपने खुद के बच्चे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगी? हाँ करूंगी, हाँ करूंगी, हाँ करूंगी। तेरे बच्चे वापस लाने के लिए अगर मुझे निरंजन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़े ना, तो भी मैं करूंगी। शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः।